हेलो फ्रेंड्स, मंजू मॉम्स किचन में आपका स्वागत है। आज हमने बनाए हैं यहाँ पे मलाई लड्डू, जो कि खाने में बहुत टेस्टी हैं, बहुत यम्मी है और इंस्टेंट मिठाई है ये। अभी त्योहार आ रहे हैं, आप राखी के ऊपर आप अपने भाई को खिलाइए, बहुत अच्छे लगेंगे उनको, बहुत बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि इसका जो टेक्सचर है वाकई बहुत अच्छा है। देखिए, मैं आपको इसका टेक्सचर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये जो लड्डू है इसका टेक्सचर देखिए आप, ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर है, माउथ मेल्टिंग लड्डू है ये। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिए आप इसको। तो फ्रेंड्स, आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, इंस्टेंट रेसिपी है, मिनटों में तैयार होने वाली मिठाई है। आप बाहर से न लाके आप घर पे ही आप अपने भाई को मिठाई बना के दीजिए, यकीन मानिए बहुत अच्छी लगेगी उनको। तो अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू। तो अभी हमने यहाँ पे रखा है 1 लीटर दूध है इसमें, जो मैंने बॉयल होने के लिए रखा है। ये 1/2 लीटर दूध है जिसको मैंने एक अलग भगोने में बॉयल होने के लिए रखा है। इससे हम छेना बनाएंगे, तो इसमें उबाला जाता है, फिर हम इसका छेना बनाएंगे। यहाँ हमें इस जो छेना है इसको हमें घंटे 2 घंटे के लिए नहीं रखना है। अब बस एट ए टाइम इसको साफ करके, ठंडे पानी से वॉश करके और इसको हम यूज लेंगे। यहाँ मैंने जो दूध है इसमें शुगर डालेंगे ताकि ये साथ साथ में बॉयल होती रहे और एक अच्छा कलर आ जाए। जो ये मलाई लड्डू है, ये खाने में बहुत सॉफ्ट टेक्सचर होता है इसका, बहुत सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं, मुंह में घुलने वाले। ये दूध में यहाँ उबाला गया है, हम इसको विनेगर, आप चाहे तो इसमें विनेगर डाल लो, चाहे आप इसमें लेमन डाल लो। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून विनेगर लिया है और 2 टेबल स्पून वाटर लिया है। अब हम इसको मिक्स कर रहे हैं। अगर हमें लगेगा कि इसमें और ज़रूरत है तो हम और विनेगर डालेंगे, अदरवाइज इतना सफिशियंट है। तो मुझे लग रहा है कि मुझे अभी इसमें और ज़रूरत है विनेगर की, तो मैं इसमें थोड़ा सा और ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, इस तरीके से हो गया हमारा, और ये इतना पानी इसमें बाकी बच गया, तो मुझे अब इसकी और ज़रूरत नहीं है। और हम इसको अच्छे से वॉश कर लेंगे। ये देखिए, हमें इसी तरीके का छेना चाहिए। हम इसको अलग इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसको ठंडे पानी से अच्छे से वॉश कर लेंगे, अच्छे से हम वॉश कर लेंगे ठंडे पानी से। अब हम इसको इस तरीके से बिल्कुल इसको पानी निकाल देंगे। यहाँ दूध बॉईल हो रहा है, इसमें मैं 1/2 कप शुगर डाल रही हूँ। शुगर आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग देख लें, ज्यादा कम, बाकी 1/2 कप सफिशियंट है इसमें। अभी अच्छे से इसमें बॉईल हो रहा है। यहाँ ये हमने पनीर लिया है, ये हमारा छेना बनके बिल्कुल तैयार है। और अब हम इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे। आप मिक्स करने के लिए चाहे तो स्पून यूज ले सकते हैं,
या फिर जो ये आलू मैशर आता है आप इसको यूज ले सकते हैं। ये हमें बिल्कुल से बिल्कुल बारीक क्रश करना है। इस तरीके से हमें इसका जो टेक्सचर है बिल्कुल सॉफ्ट करना है। आप इसको स्पून से भी कर सकते हैं। बिल्कुल हमें ये मिक्स करना है। ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट हो चुका है हमारा पनीर। अब हम इसको जो हमारा बॉईल हो रहा है दूध उसमें हम इसको ऐड करेंगे। अब ये जो पनीर है हम इसमें दूध में हम ऐड करेंगे। ये हमारा दूध रह रहा है 1/4, तो अब हम इसमें सारा पनीर ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हम इसको लगातार चलाते रहेंगे। अब अच्छे से एक इसमें बाइंडिंग आ जाएगी। आप चाहो तो इस स्टेज पे आप इसमें इलायची पाउडर भी यूज ले सकते हो। अगर आपको इसकी इलायची अच्छी नहीं लगती है तो आप इसको स्किप कर सकते हो टोटली। इस तरीके से देखिए कितना अच्छा टेक्सचर आ गया। अभी हमें इसको थोड़ा सा और बॉईल करने की जरूरत है। ये देखिए कितना प्यारा इसका टेक्सचर आ रहा है। ये अभी 5 से 7 मिनट और लगेंगे इसको कुक होने में। ये देखिए बिल्कुल दूध जलने की हो चुका है बिल्कुल। बस ये 2 से 4 मिनट और लगेंगे हमें इसमें। ये हल्का हल्का साइडों में दूध है। बस 2 से 4 मिनट में ये पूरा कुक हो जाएगा। ये देखिए आप इसका बिल्कुल क्रीमी जो ये लड्डू होते हैं बहुत सॉफ्ट होते हैं बहुत, और बनाने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता। बहुत क्विक रेसिपी है, इजी रेसिपी है। और अभी सीजन का टाइम आ रखा है, त्योहार है, अभी राखी है, फिर गणेश चतुर्थी है, फिर दीपावली आ जाएगी, तो ऐसे में घर पे मिठाइयाँ बनाइए। अपने बच्चों को, फैमिली को, सबको आप हेल्दी स्वीट्स दीजिए। ये देखिए सिर्फ साइडों में हल्का सा दूध और बच रहा है। ये देखिए बिल्कुल कुक हो चुका है। ये हल्का हल्का दूध है जो साइडों में रह रहा है। ये देखिए बिल्कुल हल्का हल्का, ये इस तरीके इसका, हमें यही टेक्सचर इसका चाहिए। क्योंकि ये जैसे ही थोड़ा सा ठंडा होगा ये और ज्यादा गाढ़ा होगा, तो हम इस स्टेज पे इसको बंद कर देते हैं। हमने गैस की फ्लेम यहाँ बंद कर दी है। ये हल्का हल्का दूध है साइड में, गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है। और ये हम इसको इसलिए चला रहे हैं क्योंकि हमारी कढ़ाई जो है वो नीचे से गर्म है अभी भी। ये देखिए हम इसको एक अलग किसी में शिफ्ट कर लेंगे, अलग बर्तन में। ये जो हल्का सा दूध रह रहा है ये, इससे हमें कोई इश्यू नहीं है क्योंकि ये जैसे ही ठंडा होगा सारा कम हो जाएगा। तो हमें इस टेक्सचर को थोड़ा सा हमें ठंडा करना है क्योंकि ये इतने गर्म में हम इसके लड्डू नहीं बना सकते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको ठंडा करना है। ये देखिए ठंडा होने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा दूध था सारा सूख चुका है
ऑब्जर्व कर लिए इसने। अभी ये हल्का सा गर्म है और हम इसके लड्डू बनाते हैं, हम इसकी बाइंडिंग करते हैं अभी। तो आपको जिस साइज में चाहिए आप उस साइज के, हम एक बार ऐसे ही रफली लड्डू बना रहे हैं। को जिस साइज में चाहिए आप उस साइज में लड्डू बना लीजिए। हल्का सा गर्म है ये अभी। अगर ये हल्का सा दूध इसमें लग रहा है तो भी कोई इश्यू नहीं है, क्योंकि ये काफी क्रीमी टेक्सचर है, बहुत अच्छा लगेगा। माउथ मेल्टिंग है तो बहुत अच्छा लगेगा अगर हल्का सा इस तरीके से आपको लगता है कि दूध है इसमें, तो टेंशन की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप इस मिठाई को फ्रिज में रख के 7 से 8 दिन तक आराम से खा सकते हो आप। वाकई बहुत टेस्टी मिठाई है, आप एक बार आप बना के जरूर देखिए आप इसको। हम इसको रफली ही बना रहे हैं अभी, बहुत गर्म है। ये हमने सारे लड्डू बाइंड कर लिए हैं। ये लास्ट में छोटू सा बना है। यहाँ मैंने हैंड वॉश कर लिए हैं। अब हम इनको अच्छे से शेप दे देते हैं इनकी। मैंने यहाँ छोटे कप ले रखे हैं, मैं इनको इसमें कप में डाल रही हूँ। आपके पास कप हो तो आप डाल लीजिए, अदरवाइज आप इसको ऐसे भी रख सकते हो। ये इस तरीके से ये हम इसमें शिफ्ट कर रहे हैं ताकि इजीली रहें। अब हम इनके ऊपर पिस्ता से गार्निश कर देंगे इनको। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है, और इसका टेक्सचर दिखाऊं मैं आपको। ये देखिए कितना प्यारा टेक्सचर है। ये देखिए हमारे सारे लड्डू तैयार हो चुके हैं ऐसे। अब हम इसको पिस्ता से गार्निश करेंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसको पिस्ता से गार्निश कर देंगे। देखिए इसका लुक कितना अच्छा है, और टेक्सचर बहुत, खाने में बहुत यमी है। ये देखिए आप कितने प्यारे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आप जरूर बनाइए, लुक आपको टेक्सचर मैंने इसका दिखाया है कितना प्यारा, कितना क्रीमी टेक्सचर है। तो और मेरी मम्मी का चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स।